हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सीसेट प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाटा सफिशिएंसी। यस, डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से अगर मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करती हूँ तो देखते हैं कि 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद 16, 17, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं था डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड। बट हम ये करके छोड़ दें कि भी अब तो आ नहीं रहा तीन साल से, तो यूपीएससी है, यूपीएससी में कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए अब कि 2019 के अंदर आपके दो क्वेश्चंस किसमें से थे, डाटा सफिशिएंसी के थे। अगेन 2020 के अंदर भी टू क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के थे। तो अगर हम अभी के एग्जाम सिनेरियो को देखते हैं तो उस केस के अंदर डाटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज 19 में भी टू क्वेश्चन है और 20 में भी टू क्वेश्चन है। दैट मींस कि इंपॉर्टेंट है, वी कैन अगेन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम डाटा सफिशिएंसी दिस टाइम। ओके, सो अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं डाटा सफिशिएंसी पे। तो यहाँ पे आप देखिए 2015 का क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, 2015 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। डाटा सफिशिएंसी में बेसिकली ये है कि हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट, कुछ हमारे पास में स्टेटमेंट दी हुई है उसके बेस पे आप कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है जी, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जरूरी है जो क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ जी क्या कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए अब अगर इस क्वेश्चन की भी मैं बात करूँ तो ये डायरेक्ट डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट सफिशियंसी नहीं पूछा गया। बट यहाँ पे ये देखिए कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक जो पॉइंट मेन इसमें रखा गया, उसने कहा कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं है आपका डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में लिया है। अदरवाइज अगर हम देखें तो 2015 में भी डायरेक्ट डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है ए इज लेस देन फास्ट देन बी, ए इज लेस फास्ट, लेस फास्ट मीन्स ये हो गया। ठीक है जी, अगर हम वैसे देखें तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन बनता है। बट यहाँ पे इसको मैंने डाटा सफिशिएंसी में लिया, रीजन मैंने आपको बता दिया, कर ए रन्स लेस फास्ट देन बी, बी से लेस फास्ट है। ठीक है, अब आगे गिवन है कि बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, नॉट फास्टर देन सी, अब फास्टर नहीं है, दैट मीन्स कि ये सी के इक्वल है। ओके, अब हमने कंपेयर करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि एज कंपेयर टू ए सी रन्स, सी ए से क्या है, कैसे भाग रहा है, वो तेज है स्लो है। तो अगर हम सी का कंपैरिजन ए के साथ में करते हैं तो यहां पे आप देखो कि अगर बी फास्टर है ए से और बी और सी दोनों तो सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में जो C है, C will be faster than A, तो आंसर क्या आ जाएगा, C is faster than A। Yes, clear? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बट एग्जैक्ट जो डाटा सफिशियंसी पे क्वेश्चन है वो अपना पूछा गया देखो 2019 में। हाँ जी, जो डाटा सफिशियंसी पे एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है और उसके बेस पे हमने ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बेस पे हाँ जी कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कहता है ए फाइव स्टोरीड बिल्डिंग विद फ्लोर नंबर 1 to 5, एक फाइव स्टोरी बिल्डिंग है जिसके फ्लोर है 1 to 5, पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 डिफरेंट कलर, दैट मीन्स कि एक कलर जो है वो क्या है, सेम है, 5 है ना, 4 तो डिफरेंट कलर है, मींस कि कोई भी 2 जो बिल्डिंग है उनके ऊपर सेम कलर किया हुआ है। एंड द ओनली 1 कलर इज यूज्ड टू पेंट ए फ्लोर, और एक फ्लोर को पेंट करने के लिए एक कलर की जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, कह रहे कि ये जो 3 फ्लोर है मिडल के ये डिफरेंट कलर से पेंट किए गए हैं। ओके, अब दूसरा है द सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर, कह रहा है कि सेकंड और फोर्थ को डिफरेंट कलर से पेंट किया गया, डन। अब थर्ड स्टेटमेंट, द फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड, फर्स्ट और फिफ्थ को रेड कलर से पेंट किया गया है, डन। ये आपके पास में थर्ड स्टेटमेंट है। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, कि टू इंश्योर दैट ओनली 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स,
दो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स का डिफरेंट कलर है, ये हमने इंश्योर करना है, तो उसके लिए तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है? तीन की जरूरत नहीं है आपको, कौन सी सफिशियंट है सिर्फ? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे है कि जो मिडल थ्री फ्लोर है वो डिफरेंट है। अगर मिडल थ्री डिफरेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि जो हमारा ये फ्लोर है फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ, फिफ्थ और फोर्थ दोनों सेम कलर के भी हो सकते हैं, तो कंसेक्यूटिव सेम है, डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं आ रही यहाँ से, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, अगर सेकंड और फोर्थ डिफरेंट कलर से, अगर सेकंड फोर्थ डिफरेंस है, दैट मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक कलर जो कि दो के लिए सेम है, तो वो ये भी हो सकता है। बट जो थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो रेड से, अगर फर्स्ट और फिफ्थ रेड से है, दैट मीन्स कि बाकी के तो डिफरेंट ही है। उसने कहा कि चार कलर्स है, ठीक है, तो सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है उसी के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स डिफरेंट के हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओनली स्टेटमेंट थ्री इज सफिशियंट, ओनली स्टेटमेंट थ्री इज सफिशियंट। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगेन डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, अरे कंसिडर टू स्टेटमेंट्स एस वन एंड एस टू फॉलोड बाई ए क्वेश्चन। S1 और S2 दो स्टेटमेंट्स आपके पास में गिवन है, उसके बाद में क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के बेस पे आपने बताना है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इन दोनों में से कौन सी सफिशिएंट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन कि इज P Q एन ओड नंबर। हमने ये बताना है कि भाई P इंटू Q क्या है, ओड नंबर है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है P एंड Q बोथ प्राइम नंबर, P और Q प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो कुछ भी हो सकता है, दो तीन, ठीक है जी, पांच सात ग्यारह, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप ये देखिए कि क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि P क्या ओड नंबर है। हाँ जी, देखो अगर हम टू और थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स आ जाता है, इवन नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई करें तो ओड नंबर आ जाता है, दैट मीन्स कि वी कांट कंक्लूड बाय ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि P प्लस Q इज ओड इंटीजर, P और Q अगर हम दोनों को ऐड करें तो ओड इंटीजर आता है। तो सभी को पता है कि अगर ओड और ओड को अगर हम ऐड करते हैं देन वी गेट इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ओड आ रहा है, दैट मींस कि एक नंबर इवन है और बाकी जो दूसरा नंबर है वो क्या है, ओड है। एक नंबर इवन है, दैट मींस देयर इज अ कंफर्मेशन कि एक तो टू है ही है और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी हो उस केस के अंदर, मान लीजिए हमारे पास में सेकंड नंबर थ्री है तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन पी क्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, यस पी क्यू क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई इवन आएगा, ओड नहीं आएगा, हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे चाहे ये नंबर आपके पास फाइव है, इन दैट केस अगेन दिस इज इवन, इफ द सेकेंड नंबर इज सेवन अगेन दिस विल बी इवन, दैट मीन्स कि वी कैन आंसर दैट पी क्यू इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो अब ये आंसर करने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी है, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, हाँ जी, कि बोथ एस वन एंड एस टू आर नेसेसरी, दोनों जरूरी है टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो आंसर विल बी डी। हाँ जी, क्लियर, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दो स्टेटमेंट गिवन है और दोनों की जरूरत है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों जरूरी है। अगर यहीं पे अगर एक से अपना आंसर आ जाता तो हम क्या कह देते कि S1 सफिशिएंट है, S2 से अगर आंसर आ जाता तो हम कह देते S2 सफिशिएंट। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन, देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ए 51 पेज बुक, एक 51 पेज की बुक है और किसी में भी दो से ज्यादा फिगर्स नहीं होनी चाहिए। उसने कहा दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दो से कम हो सकती है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, देयर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज, हर पेज पे कम से कम एक फिगर तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक, क्वेश्चन है कि क्या 100 फिगर्स से ज्यादा फिगर्स है बुक के अंदर, ये आपको जवाब करना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट देखूं तो उससे तो हमें सिर्फ यही मिल रहा है कि दो से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर हम सेकंड को देखते हैं तो वहां पे कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन फिगर होनी चाहिए, एक फिगर होनी चाहिए
एक फिगर अगर होनी चाहिए, दैट मींस ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी पूरे 51 के 51 पेजेस के ऊपर एक एक ही फिगर हो, तो टोटल कितनी बनेगी, 51 ही फिगर्स बनेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि भी 50 पेजेस के ऊपर तो 1-1 फिगर हो तो 50 होगी, और एक के ऊपर 2 फिगर हो तो 52 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो 51 के 51 पेज हैं सभी के ऊपर 2-2 फिगर्स हैं, तो यहाँ पे अपने पास में 102 फिगर्स आ जाएंगी। That means कि हम exact answer नहीं कर सकते कि जो book है उसके अंदर 100 से ज्यादा figures होंगी या नहीं होंगी। That means कि दोनों के दोनों जो statement है उससे हम answer नहीं find out कर पा रहे। That means what कि अपने पास में statement 1 और statement 2 together not sufficient, दोनों के दोनों sufficient नहीं है to answer the question। So answer क्या आ जाएगा अपने पास में, C will be the correct answer। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है इजी होते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। हमें जस्ट ये देखना है कि किन किन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, अगेन 2020 का क्वेश्चन है। क्या है, थ्री स्टेटमेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन, देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स। पहले दो स्टेटमेंट्स गिवन थी, अभी थ्री स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। और क्वेश्चन क्या है, हु अमंग ए बी सी डी इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या निकल के आता है कि सी इज यंगर देन डी, सी इज यंगर देन डी, यही है। उसके बाद में है बट ओल्डर देन ए एंड बी, दैट मीन्स कि सी इज ओल्डर देन ए एंड बी, ये है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि यंगेस्ट कौन है, नहीं पता चल रहा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। दैट मींस कि ओनली वन स्टेटमेंट अगर हम कहेंगे S1 स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकंड स्टेटमेंट, डी इज ओल्डेस्ट, डी इज ओल्डेस्ट, वो तो मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट से मुझे पता चल रहा है। ओके, दैट मींस कि इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ओके, सेकंड, बट इससे दोनों से हम ये नहीं कंक्लूड कर पा रहे कि यंगेस्ट कौन है। थर्ड है ए इज ओल्डर देन बी, ए इज ओल्डर देन बी, अगर हम सिर्फ इस बात की बात करें, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को लेते हैं कि ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है ना, तो उस केस में आंसर नहीं आएगा। हाँ, बट अगर मान लो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये स्टेटमेंट में यूज कर लो, ठीक है, और साथ में यही ए ओल्डर देन बी को यूज कर लो, ए ओल्डर देन बी अगर आ जाता है हमारे पास में तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड कि बी जो है दैट इज यंगेस्ट। तो इससे हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकला कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है और एक मेरे पास में थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है, बोथ आर नेसेसरी। ओके, सो आंसर बोथ, कौन सी बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर नेसेसरी। सो अब देखते हैं ऑप्शन में है हमारे पास में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डी ऑप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए डाटा सफिशिएंसी, क्योंकि पीछे जो भी आता रहा है, ठीक है, अगर हम देखें 19 से पहले तो डाटा सफिशिएंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट 19-20 के अंदर 2-2 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी पे हैं। दैट मींस कि हमें तो अभी का देखना है कि आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। दैट मींस कि डाटा सफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है और डाटा सफिशिएंसी पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हम इजीली कर लेते हैं तो देन नो प्रॉब्लम, बट अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो इतने इजी क्वेश्चन स्किप नहीं करने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना, इतने इजी क्वेश्चंस हम नहीं स्किप कर सकते। तो उसके लिए थोड़ी सी आपने ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रिपेयर करना है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ओके, यस, तो अभी आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन, अभी भी हम डिस्कस करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है, अब ये आपने खुद से मेरे साथ में करते हुए चलना है। क्या है क्वेश्चन कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय ए क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास में कि 1/4 ऑफ वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। 1/4 वेट कितना है, 5 kg है। दैट मींस कि जो पोल है, पोल का वेट कितना हो गया हमारे पास में, 1/4 इज 5 kg। 1/4 ऑफ टोटल वेट इज 5 kg, दैट मींस कि टोटल वेट ऑफ पोल इज 20 kg। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है कि भाई 20 kg वेट है उसका।
ओके, एक पोल का वेट है 20, से सिर्फ यही कंक्लूड कर पा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास कि द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 किलोग्राम मोर देन टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स। 3 का जो वेट है वो 2 से 20 किलो ज्यादा है। दैट मींस कि एक जो पोल है हमारे पास में, एक पोल का वेट कितना है, यहां से भी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है कि 20 केजी है। डन, यस, दिस इज वन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ सेम वेट। हर एक पोल सेम वेट का है तो टोटल वेट कितना होगा। तो जब हमें एक पोल का वेट पता है तो हम 10 का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक का हमें यहां से भी पता है तो यहां से भी हमें पता चल जाएगा 200 केजी होगा, ठीक है। और इस तो सेकंड स्टेटमेंट है वहां पे भी है तो उससे भी पता चल जाएगा। दैट मींस कि अगर हमारे पास में या तो स्टेटमेंट 1 हो तब भी आंसर आ जाएगा, सफिशियंट है, या तो स्टेटमेंट 2 है तो भी सफिशियंट है, कल्ली कल्ली दोनों सफिशियंट है। अगर आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भी कल्ला इससे भी आप आंसर कर सकते हो और सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर कर सकते हो, इन दैट केस क्या आंसर आएगा आपके पास में, इधर और। सो आंसर क्या बनेगा, इधर स्टेटमेंट 1 or 2 इज सफिशियंट। सो आंसर विल बी सी। ओके, यस। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, ठीक है, और एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दे लो तो उससे आपका टाइम कम लगेगा। स्टेटमेंट को बाद में रीड करके एक बार हम थोड़ा पहले क्वेश्चन देख ले तो उससे टाइम कम लगता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, क्वेश्चन ये है कि एम के कितने चिल्ड्रन। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या हम आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एच है, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज वाइफ ऑफ एम। एच की कल्ली एक डॉटर है, एच एक कल्ली कल्ली डॉटर है किसकी, X की, who is wife of M। तो इसका मतलब कि M की डॉटर हो गई। Then, जो पहली स्टेटमेंट है तो इससे हमारे पास में क्या पता चल रहा है कि एक कल्ली कल्ली डॉटर है। अब इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि उसके है ना सन है या नहीं है। दैट मीन्स कि वी कांट कंक्लूड कि हाँ जी उसके कितने चिल्ड्रन है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कल्ली नहीं बता पा रही। अभी दूसरी देखते, क्या पता दूसरे की हेल्प से पता चल जाए। दूसरा है के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम, के और जे एम के ब्रदर है, एम के ब्रदर है, तो उससे भी हमें ये नहीं पता चल रहा। तो एम के ब्रदर कह रहा है ना, दैट मीन्स कि जो अपने पास में एम है एम के कितने चिल्ड्रन है। दैट मीन्स कि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि बोथ आर नॉट सफिशियंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर 1 nor 2 इज सफिशियंट। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे आपके पास आ सकता है डाटा सफिशिएंसी के अंदर। जैसे ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, सेटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सेटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है आपके पास, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी अगर मान लो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के अंदर, इन दैट केस यू कैन मेक द ट्री, फैमिली ट्री आप बना के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एच इज ओनली डॉटर, आप इस तरह से बना सकते हो, एच इज ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज वाइफ ऑफ एम। दैट मींस कि एक्स इज वाइफ ऑफ एम, ये हस्बैंड वाइफ है। तो यहां से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो एम है एम इज फादर ऑफ एच। डन, क्लियर। अब के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम, K and J are brother of M, that means कि K और J यहाँ पे brother है हमारे पास में M के। कई बार student समझने में गलती क्या कर देते हैं कि हाँ जी दो भाई वो हो गए, एक ही हो गए तो तीन हो गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। देखो ट्री से हमें क्लियर हो रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी हमें ये नहीं पता कि इनका सन है या नहीं है कोई K, X और M का। दैट मीन्स कि दोनों से ही आंसर नहीं कर पा रहे। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो फॉलोइंग ए क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। स्काई का कोर फाइंड आउट करना है आपको, क्या है, व्हाट इज द कोर फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज के अंदर स्काई का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या गिवन है, स्काई इज क्लियर इज रिटन एज डी रा फ। ओके, एंड इन द सेम कोड लैंग्वेज मेक इट क्लियर इज नोन एज डी ग जो। ओके, ये आपके पास में गिवन है। तो यहां से हम देखिए किसका कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन है हमारे पास में क्लियर। दैट मींस कि यहां पे हम क्लियर का कोड तो फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास में डी। डन, बट स्काई इज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे स्काई है और इज है। दैट मींस कि स्काई का कोड रा भी हो सकता है और फा भी हो सकता है,
रा भी हो सकता है और फा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट से हमें नहीं मिल रहा आंसर। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भी कि नीदर वन नोर टू इज सफिशियंट, ना तो वन सफिशियंट है ना ही टू सफिशियंट आंसर करने के लिए। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, अगेन अपने पास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ जे इज रिलेटेड टू पी, जे पी से कैसे रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे कर एम इज ब्रदर ऑफ पी एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी, ये है। अब यहाँ पे तो जे का कहीं पे जिक्र ही नहीं हो रहा, जब जे की कोई बात ही नहीं हो रही तो उससे कैसे हमें आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये कल्ली हमारी स्टेटमेंट आंसर नहीं कर सकती, दिस इज नॉट सफिशियंट। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड, पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड, दैट मीन्स कि जो जे है, जे इज द मदर ऑफ पी। यहां से हमें मिल गया कि जे क्या है, मदर है पी की। ठीक है, Who has one son and two daughter, जिसकी एक son है और दो daughter, even इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है इस लाइन की, बट वो तो एक ही स्टेटमेंट में, नो प्रॉब्लम। तो यहां से ही हमें पता चल रहा है, पी's mother is married to J's husband, that means what, कि जो पी है और जे है, तो पी की मदर जे के हस्बैंड के साथ में मैरिड, दैट मीन्स कि जे कौन हो गया, जे इज मदर ऑफ पी। ठीक है, तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया, तो ओनली सेकंड इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। हां जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि पी इज मदर, देखो अगर मैंने अभी कहा अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या करा करो, ट्री बना लिया करो, पी इज मदर, पी की मदर। ठीक है जी, तो यहां पे अपने पास में पी का तो जेंडर पता नहीं हमें, पी की मदर पे आ जाते, पी इज मदर। ठीक है, पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड, जेज हस्बैंड में अपने खुद के हस्बैंड के साथ ही तो मैरिज होगी, तो जे के हस्बैंड के साथ में मैरिड है, यही कहा डन। तो अपने पास में सिर्फ ये जो कल्ली स्टेटमेंट है, इतनी सी जो स्टेटमेंट है, इसी से ही हमारा आंसर आ रहा है कि जे इज मदर ऑफ पी। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशियंट वाइल वन अलोन इज नॉट सफिशियंट। ओके, अब अगर यहीं पे अपने पास में आ जाता क्वेश्चन कि जो अपने पास की जे के कितने बच्चे हैं, जैसे लास्ट में क्वेश्चन था हाउ मैनी चिल्ड्रन जे हैव, इस तरह से कुछ आ जाता, तो इससे हमारे पास में नहीं निकल पा रहा था, तो हम दूसरी स्टेटमेंट को भी इसी के अंदर यूज करके फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, यस, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड वन क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, कर ऑन विच डेट द मंथ वाज अंजलि बोर्न इन फेब 2004 के किस डेट को उसका बर्थ हुआ है अंजलि का। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे है अंजलि वाज बोर्न ऑन एन इवन डेट ऑफ द मंथ, इवन डेट है, अब इवन डेट तो कुछ भी हो सकती है भाई, 2, 4, 6, 8 सारे के सारे इवन ही है, बट हम यहां से नहीं कंक्लूड कर सकते कि हाँ जी जो बर्थ है वो कब हुआ है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, अगर अंजलिज बर्थ डेट वाज ए प्राइम नंबर, अगर हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो कह रहा है कि सिर्फ प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर हम देखें तो 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स है, बट अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भी 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 फेब है, देन दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट मिलके सफिशियंट है आंसर करने के लिए कि हाँ जी उसका बर्थ कब है, दैट मीन्स कि बोथ आर नेसेसरी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर सफिशियंट, और देयर कैन बी द ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, डी आ जाएगा। ओके, तो डाटा सफिशियंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सभी ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी ये जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर मैं आपको सभी टॉपिक्स करवा रही हूँ, सभी टॉपिक्स जो जो भी आपके सिलेबस में हो और जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, और इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इस जो प्रीवियस ईयर की सीरीज का जो कोर्स है इसको आप ले सकते हो,
कुछ नहीं है उसके अंदर, जस्ट आपने क्या करना है, आपने आपको रजिस्टर करना है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये पूरे का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के, अब जैसे डाटा सफिशियंसी है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है ऑब्वियसली, तो 10 क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर कर लिए, उसके बाद अगर आपको 20 क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। तो यहाँ पे हम जो कोर्स है वहाँ पे हर एक के साथ में सेम टॉपिक के आपके टेस्ट भी अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो वहां से अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल करना क्या है कि प्रीवियस ईयर सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जिसने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।